ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप वजन घटाने के लिए आपका डाइट प्लान होना जरूरी है। आप बिना किसी डाइट के वजन कम कर सकते हैं। इसके लिए आप थोड़ा थोड़ा निकालना पड़ेगा। बिना किसी डाइट के पतला और स्लिम ट्रिम दिखने के लिए आप अपने दिनचर्या में कुछ चीज शामिल कर सकते हैं, आसानी से वजन कम कर सकते हैं। ऐसे काम सेलिब्रिटी भी करते हैं। वजन कम करे फूलों की चाय। फूलों की चाय सुनकर कई लोगों को अजीब लग सकता है, लेकिन आपको बता दें कि फूलों की चाय बनाया जा सकता है और ये आपके शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। फूलों में भी ढेर सारे विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स और मिनरल्स होते हैं जो आपके शरीर को स्वस्थ और चुस्त बनाते हैं। वजन कम करने और पेट को अंदर करने के लिए आप कई तरह के फूलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए आपको बताते हैं ऐसे ही थ्री फूलों की चाय के बारे में और उनके फायदे। चमेली की चाय। चमेली का फूल बहुत गुणकारी होता है। आयुर्वेद में चमेली को फूलों की रानी कहा जाता है। इसका कारण ये है कि चमेली की खुशबू बहुत मनमोहक होती है और शरीर को इसके फूलों से कई स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं। चमेली की चाय रोजाना पीकर आप अपना मोटापा कम कर सकते हैं और बढ़ा हुआ पेट अंदर कर सकते हैं। चीन में इस चाय का सेवन बहुत ज्यादा किया जाता है। चमेली की चाय पीने से दिल की बीमारियों और डायबिटीज का तरह कम होता है और ये शरीर की इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती है। इसके अलावा इसे पीने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है और कई तरह के कैंसर का खतरा भी कम होता है। गुड़हल की चाय। गुड़हल के खूबसूरत फूलों की स्वादिष्ट चाय बनाकर भी आप अपना वजन तेजी से कम कर सकते हैं। गुड़हल में भी कई तरह के गुण मौजूद होते हैं। इसमें कई विटामिन, मिनरल्स, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स आए जाते हैं। इस चाय को पीने से कैंसर, पेट की चर्बी, डिप्रेशन, खराब कोलेस्ट्रॉल आदि से छुटकारा मिलता है और याददाश्त भी बढ़ती है। इसके अलावा मुंह के छालों और लिवर रोगों में भी ये चाय बहुत फायदेमंद है। गुलाब की चाय। गुलाब के फूलों में भी कई तरह के गुण पाए जाते हैं। गुलाब में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई मौजूद होते हैं। इसे पीने से शरीर की चर्बी तेजी से कम होती है और शरीर में मौजूद विषैले पदार्थ बाहर निकलते हैं। इसके अलावा ये चाय इम्यूनिटी भी बढ़ाती है। इसे पीने से त्वचा पर चमक बढ़ती है और चेहरे पर निखार आता है। कैसे बनाएंगे फूलों की चाय? इन सभी फूलों की चाय फायदेमंद है, इसलिए आप अपनी पसंद और सुगंध के अनुसार कोई भी फूल चुन सकते हैं। गुड़हल की चाय के लिए सूखे फूलों का इस्तेमाल करें, जबकि चमेली और गुलाब की चाय पर आने के लिए ताजे फूलों का इस्तेमाल करें। ऐसे बनाएं चाय। दो कप पानी लें और इसमें फूलों को डाल दें। अब इस पानी को उबलने के लिए रख दें। 5-7 मिनट धीमी आंच पर पकने दें ताकि फूल का अर्क पूरी तरह निकल जाए। व पानी को आंच से उतार लें और कप में इसे छान लें। स्वाद के अनुसार इसमें नींबू का रस और ऑर्गेनिक शहद मिला सकते हैं। दिन में 2-3 बार इन चायों का सेवन किया जा सकता है, मगर खाने के तुरंत बाद इनका सेवन न कर। ये चाय आपके पेट की चर्बी को तेजी से कम करेंगी और आप दिखेंगे बिल्कुल फिट और चुस्त।